Chandigarh Sheher, hai for the highest density of uh, schools and colleges, and a huge university and many research institutes, uh, and also a green belt all over from north to south. This green belt has many parks, small and big, and uh, this one. हैपन्स टू बी जस्ट बिहड अ स्कूल अ बिग स्कूल देर आर सो मैनी बिग स्कूल हु गॉट लैंड एट पीनट्स तकरीबा मुफ्ती समझिए करोड़ों खरबों की ज़मीन है इन स्कूल्स के पास में पर ये लोग uh, फीस मांगते हुए बहुत मुँह चौड़ा करके लालच से दुर्भावना से पेरेंट्स को बच्चों को एक्सप्लॉय करते हैं और उन्ही बच्चों को जिन जिनके कारण इनका नाम है जिनकी मेहनत और शहरत से इनका नाम है उनको अपने प्लेग्राउंड्स नहीं खोलते और वो बेचारे बच्चे जो हमारे भविष्य के वर्ल्ड चैम्पियंस हो सकते हैं ओलंपियंस हो सकते हैं वो मजबूरी में इन पार्क्स में जहाँ पे उनको बहुत ही लिमिटेड एनर्जी और फ्रीडम के साथ खेलने की संभावना है यहाँ पे फुटबॉल खेलने को मजबूर हैं और जो बुज़ुर्ग लोग महिलाएं या छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने को थोड़ा सा टहलने को मस्ती को आते हैं रिलैक्सेशन को आते हैं एक्सरसाइज को आते हैं इस्पेली क्लोज़ टू दिस जिम जो जिसकी हालत भी बड़ी ख़राब है इस वक्त सोसाइटीज़ को हाउसिंग सोसाइटीज़ को तो ये कॉरपोरेशन एमपी लैड से तीन तीन जिम्स दे देती है और यहाँ पे जहाँ सैकड़ों लोग हर रोज़ व्यायाम करते हैं ये आधे से ज़्यादा जिम उखड़ चुका है उजड़ चुका है और इसकी कोई देख रेख नहीं है कोई रेगुलर इसको देखने वाला नहीं है और कोई रेगुलरली इस सारे ग्राउंड को जहाँ पे घास बर्बाद हो चुकी है आजू बाजू के पेड़ नष्ट हो चुके हैं दिस नो बडी टू टेक केयर ऑफ दिस अ फ्यू डेज बैक आवर योगा गुरु महानंद शुक्ला जी टुगेदर विद अबाउट 165 सीनियर्स और गेव अ रेप्रजेंटेशन टू द कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ के ग्रीन बेल्ट को आप मेंटेन करिए और uh, ये ये हाल नहीं होना चाहिए के दलदल हो जाए मिट्टी हो जाए और जब खेलने बच्चे मजबूरी में जब यहाँ फ़ुटबॉल खेलें तो मिट्टी का गुब्बार उठे और आजू बाजू में जो शाम को या सुबेरे सैर करने आए उनको सांस लेना मुश्किल हो जाए सो सॉल्यूशन लाइज इन गिविंग टोटल फ्रीडम टू द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्कूल्स टू यूज द प्ले ग्राउंड वेदर दे आर स्टडिंग देयर और नॉट ड मैटर क्लोज बाय ही जाएंगे बच्चे खेलने के लिए वो दोबारा बस में बैठ के अपने स्कूल में नहीं जाएंगे और मैंने सुना है उनके ही स्कूल वाले कहते हैं देखो स्कूल लग गया तुम हमारे ग्राउंड में नहीं घुसोगे एक्सक्यूज क्या है बच्चों को टॉयलेट की जरूरत होगी तो वो हमारा बिल्डिंग का टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे सीधी सी बात है एम पी लैड अगर लाखों करोड़ों रुपए दे सकते हैं एम पी लैड से तो ऐसे तो स्कूल जो करोड़ों कमाता है वो अपने प्ले में पब्लिक टॉयलेट्स क्यों नहीं क्रिएट कर सकता और पब्लिक टॉयलेट्स अगर हैं तो किसी बच्चे को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है बिल्डिंग के अंदर और इमरजेंसी में उनका सिक्योरिटी स्टाफ तो है ना देखने को तो सिक्योरिटी का बहाना कोई बहाना नहीं है इन होनहार बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स इन सैकड़ों स्कूलों के ना खोलने का अगर कहीं हमने इन प्ले को खोला होता तो शायद हमारे जो बच्चे गांव से तो निकल रहे हैं पर शहरों से बहुत कम निकल रहे हैं शायद दर्जनों दर्जनों बच्चे हमारे ओलंपियन ओलंपियंस होते और वर्ल्ड चैम्पियंस होते तो पार्क्स में आप थोड़ी बहुत खेल की सुविधा रखिए वॉलीबॉल रख दीजिए बैडमिंटन रख दीजिए कोर्ट बना दीजिए लॉन टेनिस का एक कॉर्नर में कोई दिक्कत नहीं है जिससे किसी बुज़ुर्ग को किसी इन्फेंट को किसी आ, एल्डरली महिला को कोई चोट की संभावना कम से कम हो वक्त आ गया है हाथ जोड़ के अपील करता हूँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को और सभी सीनियर्स को और सभी जिम्मेदार नागरिकों को कि इन ग्रीन बेल्ट्स को बचाइए ये हरी भरी होनी चाहिए ये दलदल से भरी नहीं होनी चाहिए ये मिट्टी के गुब्बार से भरी नहीं होनी चाहिए और जो भी स्कूल के प्ले हैं इनका ऑप्टिमम यूज हो ये फ्रीली अवेलेबल हो आसपास के सभी बच्चों के लिए खेलने के लिए और अगर कोई स्कूल इस मामले में कोऑपरेट नहीं करता तो उनको बहुत ही विनम्रता से पहले रिक्वेस्ट करिए और उसके बाद में उनको बताइए कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने को नहीं बैठे हैं बहुत सारे स्कूल्स तो ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ होती है ट्यूशन की दुकानों के साथ में और बच्चों की प्लस वन प्लस टू में हाजिरी लगती है और वो क्लासेस कहीं और लगाते हैं प्रैक्टिकल्स का कचरा हो चुका है इस ट्यूशन माफिया के चक्कर में ये देखिए हमारे जिम के हालात देखिए उखड़ चुके हैं ये ये कहीं जा चुके हैं जो यहाँ पे मशीन्स थी और ये देखिए ये टूट चुकी पार्क की मेंटेनेंस उधर मैंने कभी दिखाया था कि डायनासोर के जितने वो बने थे मॉडल वो टूट चुके हैं वो जो भी म्यूरल्स के लिए वो टनल शेप स्ट्रक्चर्स बनी थी उनके बोल्डर्स गिर चुके हैं ये हालात चंडीगढ़ जैसे शहर में है जहाँ ये सुंदर पार्क्स हैं और इन सुंदर पार्क्स की सुंदरता का आ, हालात देख लीजिए जो एक बड़ा पैच है जिसमें एक आदमी जो फुटपाथ पर नहीं चल सकता किसी कारण से वो थोड़ा सा घास पे टहल सकता था बिना इसको ख़राब किए वहाँ पे धुआँधारी फुटबॉल होती है और अक्सर का दुखा कभी ना कभी बुज़ुर्ग जिनको चोट लग जाती है वो मजबूर हो जाते हैं पुलिस को शिकायत कर अपने ही बच्चे हैं हमारे ही देश के बच्चे हैं हमारे देश के ओलंपियंस हैं हमारे देश के भावी वर्ल्ड चैम्पियंस हैं इनको प्ले दीजिए और बुज़ुर्गों को फ्रीडम दीजिए पार्क में बैठने की थोड़ा टहलने की योगा वगैरह करने की सुबह शाम ये बहुत ज़रूरी है कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजर सर प्लीज़ जागिए जागी ग्रीन बेल्ट को बर्बाद ना होने दीजिए जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी के आप सभी नारे लगाते हैं हर चिट्ठी में हर जगह पे जी ट्वेंटी लिखते हैं ये बताएंगे आप जी ट्वेंटी को आ, ये मेरी तो ये बातचीत फॉर श्योर आई एम पुटिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल अर्थ टॉक्स सो दैट दिस मैसेज गोज़ आउट वाइड वाइड टू दी एंटायर कंट्री आई एम श्योर जो सिचुएशन चंडीगढ़ में है और शहरों में इससे अलग नहीं हो सकती इससे बढ़िया तो कोई वातावरण नहीं हो सकता अगर यहाँ पे वातावरण का ऐसे बेड़ा हो रहा है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट एपथी एंड कैरल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आवर आवर ओन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी एट लार्ज ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं इनका भविष्य हमारा भविष्य है इनको प्ले ग्राउंड दीजिए और बुज़ुर्गों को ये ग्रीन बेल्ट में फ्रीली घूमने फिरने का बच्चों को छोटे इन्फेंट्स को यहाँ पे खेलने के लिए फ्रीडम दीजिए आपने बच्चों के लिए प्ले स्टेशन लगा रखे हैं वो वहाँ पे खेलेंगे कैसे अगर किसी को भी क्रिकेट की बॉल लगेगी या फुटबॉल लगेगी गेम्स के प्रति किसी की दुर्भावना नहीं हो सकती गेम्स ऐसी रखिए यहां पे जिससे चोट ना लगे जिससे गर्द ना उठे आप साइड्स में जैसे मैंने कहा बैडमिंटन का कोर्ट रखिए लॉन टेनिस का कोर्ट रख लीजिए उस बॉल से किसी को चोट नहीं लगती कोई इतना घायल नहीं होता आप वॉलीबॉल वाल रख लीजिए उससे चहल पहल भी होगी और एक ऑर्गेनाइज्ड लिमिटेड स्पोर्ट्स In parks may be hogi, but football and cricket cannot be played in these public parks where the grounds are small, and these are meant for relaxation, exercise, and relaxation and exercise, not um, forceful games. Schools wake up, administration wake up. Chandigarh has to be kept green. The green belt has to be protected. Our young boys and girls have to be given playgrounds in the schools to play. Our elders and infants, and elderly and sick, have a right to survive, not to be hurt grievously in these green belt parks. Thank you.